हेलो फ्रेंड्स, आप अगर कतर में रहते हैं और आपके पास गाड़ी है तो आप जानते ही होंगे कि हर साल गाड़ी को पासिंग करवाना पड़ता है। तो गाड़ी को पासिंग करवाने से पहले हमें क्या क्या देख लेना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जाने पे पास हो जाए? नहीं तो मुश्किल होता है, सेकंड टाइम में भी पास करते हैं पर सेकंड टाइम के लिए आपको और भी काम करवाना पड़ता है, इससे टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम में ही सब चेक करके जाएंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या क्या चेक करना पड़ता है पासिंग के लिए। तो सबसे पहले आप देख ले कि आपकी गाड़ी के चारों टायर कंडीशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, यह नहीं कि उसके बिल्कुल टायर के ग्रिप ख़त्म हो गए हो, टायर चारों टायर के ग्रिप दिखाई देने चाहिए। और अगर पैसेंजर गाड़ी है, पैसेंजर वैन, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो उसके चारों टायर आप चेक कर ले। चारों टायर चेक करने के बाद आपके देख ले कि आपके सब साइड के शीशे ग्लास सब सही होने चाहिए। शीशा आपका जितना भी साइड का है, चारों साइड से आप अपने ग्लासों को चेक कर ले, कहीं से क्रैक ना हो, टूटे फूटे ना हो, तो सब सही होना चाहिए। और दूसरा, अपना हेडलाइट, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, सभी लाइट ये चेक कर ले। उसके बाद आप जब लाइट वगैरह सब सही है आपका, फिर आप देखिए ये पीछे में रेड कलर का रिफ्लेक्टर लगे हुए, ये रेड कलर के रिफ्लेक्टर लगाना ज़रूरी होता है पैसेंजर वैन में, पैसेंजर कार में, ये रेड लाइट का रिफ्लेक्टर दोनों लगाना पड़ेगा दो जगह पर। उसके बाद से आप अपने चारों टायर चेक कर ले, लाइट चेक कर ले, साइड ग्लास चेक कर ले, साइड ग्लास भी होने चाहिए गाड़ी में। और फिर आप अपने गाड़ी में एक और चीज़ देखें, यह फायर सिलेंडर, फायर सिलेंडर होना चाहिए, होना ही नहीं, इसके साथ में आपका ये इसका सुई चेक करें कि फायर सिलेंडर का इसमें गैस बराबर है कि नहीं, ग्रीन पे होना चाहिए इसका सुई, अगर ग्रीन पे नहीं है तो फिर वो सिलेंडर आपको चेंज करना पड़ेगा। और अपने कम से कम पैसेंजर गाड़ियों में आगे का तो सीट बेल्ट सही से आपको चेक करना पड़ेगा कि सीट बेल्ट काम करता है कि नहीं, ये सीट बेल्ट चेक कर ले। और सीट ज़्यादा डैमेज हो तो आपको सीट भी रिपेयर कराने पड़ेंगे, सीट बेल्ट चेक कर ले, सीट बेल्ट सही होगा तो ठीक है। उसके बाद से जब यह सब चेक कर लेंगे तो उसके बाद से आप ये देखें कि स्टेयरिंग, स्टेयरिंग में ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए, स्टेयरिंग में प्ले नहीं होनी चाहिए, ब्रेक वगैरह सब सही होने चाहिए, ब्रेक जहाँ पे मारने से वहीं पे रुके। और ब्रेक, स्टेयरिंग और सस्पेंशन, इसके सस्पेंशन में जितने भी ये बुशिंग आते हैं और बॉल जॉइंट आते हैं, इसमें ज़्यादा प्ले नहीं होने चाहिए, अगर ये प्ले होगा तो वह फेल कर देते हैं। ये बॉल जॉइंट जितने भी है टाई रोड एंड के, सस्पेंशन के और जितने भी शोकर आर्म के, ये जितने भी है ये कटे फूटे या टूटे हुए नहीं होने चाहिए, जिससे कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो रैंप पे चढ़ाने के बाद इतना तेज़ इसमें जर्किंग देते हैं, उनको सब कुछ मालूम चल जाता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आपके व्हील में प्ले है, टाई रोड में प्ले है, सस्पेंशन में प्ले है, क्या चीज़ कटा है, ये दोनों साइड का चेक कर ले, जितने भी बुशिंग है ये सब चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद जब ये कंप्लीट ओके है तो ठीक है, और नहीं तो आप इसको रिपेयर करवा ले पहले ही, बेहतर रहेगा। रिपेयर करवा लेंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा, सेकेंड टाइम जाने का ऑप्शन आपको नहीं होगा। इसके बाद से आप ये जब सब कुछ ओके है, अपना ब्रेक व्रेक सब चेक कर सकते हैं, और ब्रेक चेक करने के बाद आपका सब स्टीयरिंग ब्लेड जब सब ओके है तो आप आराम से वहाँ पे ले करके जा सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, दूसरा, ये साइलेंसर का जो एग्जॉस्ट पाइप है ये भी कहीं से लीकेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नीचे रैंप में नीचे से चेक करते हैं, कहीं से भी साइलेंसर लीकेज है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होता है, साइलेंसर भी चेक किया जाएगा, आपका इंजन ऑयल, गियर ऑयल, कोई भी और कहीं से भी लीकेज होगा वो भी चेक किया जाएगा, और कोई चेचिस डैमेज, बॉडी टूटा फूटा होगा वो सब चेक करते हैं। आपका सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है साइलेंसर कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए, और इंजन ऑयल, गियर ऑयल या कोई सा भी ऑयल, नीचे कोई भी ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीकेज होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, वो फेल कर देंगे। और जब ये सब आपका ओके है
और नंबर प्लेट भी देख ले कि ज़्यादा डैमेज ना हो। नंबर प्लेट का तो मुश्किल नहीं, वहाँ पे फेल करेंगे तो आप वहीं पे पेमेंट करेंगे नंबर प्लेट के लिए, तो नंबर प्लेट उसी टाइम वो लगा देते हैं या टाइम आपको दे देंगे कि इतने टाइम में आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। पर ये सब आपको ज़रूरी है, जो रिक्वायरमेंट है लीगल रिक्वायरमेंट, और कहीं से आपका डेंट पेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर डेंट पेंट है तो पहले आप करवा लें, नहीं तो आपको पुलिस का पेपर लाना पड़ेगा। आपको अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस का पेपर रखना पड़ेगा और पेंट करवाना पड़ेगा, वह सब करना पड़ेगा। तो डेंट पेंट कहीं भी आपकी बॉडी में कहीं नहीं होनी चाहिए, पेंट कहीं से ख़राब नहीं होनी चाहिए, और यह सब ओके है तो आप वहाँ पर लेकर जाए। और छोटी गाड़ी है तो आपको 160 रियाल, अभी का टाइम जो है, अभी ये 2021 में जो 160 रियाल लगते हैं, ये आपको कार्ड से पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नंबर में गाड़ी जाएगा और फिर उसके बाद इंस्पेक्ट किया जाएगा, और जब सब कुछ हो जाएगा तो पास हो जाएगा तो आपको उसी टाइम मैसेज आएगा, कि आपकी गाड़ी पास हो गई है। फिर आपको इस्तेमारा जो RC होती है वह आपको नया बनवाना पड़ेगा। अगर कंपनी का है तो वो कंपनी बनवाएगी, और आपका पर्सनल है तो आप वहीं पे हैंड टू हैंड बनवा सकते हैं। तो ये पासिंग के लिए रिक्वायरमेंट जो है, ये क्या क्या चेक करना पड़ता है, वो इसका डिटेल्स है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है और किसी गाड़ी के और पासिंग का इंक्वायरी चाहिए और या कुछ और इंक्वायरी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, हम उसकी पूरी डिटेल्स आप तक देंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको और भी ऐसे वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला देते रहेंगे।